देखो यहाँ पे ये रखी पड़ी थी और मूर्ति रखी पड़ी थी, यहाँ से आंधी इतनी तेज आई कि ये पूरा घेर दिया और देखो यहाँ पे तोड़ दिया बिल्कुल। और ये मेरे हाथ में गिरी थी इस साइड। सो गाइस अभी मैं घर के अंदर आ गया था और देखो बिल्कुल बादल बादल सब कुछ गरज रहे और मेरे घर का नाश मार दिया है। सो गाइस मौसम इतना औसम हो रहा है, आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और इस टाइम मैं गाँव में हूँ और गाँव में ही रह गया हूँ, 1.5-2 महीने से लॉकडाउन है तो गाँव में ही पड़ा हूँ, लॉकडाउन की वजह से फंसा पड़ा हूँ। पर क्या कर सकते हैं, अब जो हुआ वो होगा। इस टाइम ऐसा लग रहा है भाई की आंधी आने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल आ रखे हैं, बिल्कुल जैसे कि देखो यहाँ पे भाई आंधी आ चुकी है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा तेज़, जैसे कि मैं पीछे दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है, ये बहुत तेज़ आंधी आ चुकी है। ओ शिट भाई, धूल धूल। अभी छत पे आया था मैं और इस टाइम ऐसा मौसम हो गया, बिल्कुल आंधी इतनी तेज़ आ चुकी है, बिल्कुल आंधी तूफान आ चुका है हर जगह। देखो गाइस पूरा सामने के देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतनी तेज आंधी आ रखी है, ऐसा लग रहा है पेड़ टूट के गिर जाएंगे। तो गाइस पीछे बिल्कुल गाइस इस टाइम मैं बैकयार्ड आ गया हूँ और देखो यहाँ पे पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है टूट के नीचे गिर जाएंगे। ये देखो भाई साहब पीछे कैसा सीन हो रहा है, कुछ भी खेत वेत ढंग से दिख नहीं पा रहे होंगे। इस टाइम मैं घर के अंदर आ गया था और इस टाइम आंधी इतनी तेज आ रही है, क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश नहीं आ रही पर आंधी बहुत तेज़ आ रही है। जो घर का हाल क्या कर दिया, यहाँ देखो छप्पर है, ये छप्पर सब कुछ उड़ के नीचे आ गया है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। और देखो भाई क्या यार क्या सीन हो रहा है, ये बहुत मिट्टी बहुत उड़ रही है। देखो यहाँ पे ये रखी पड़ी थी और मूर्ति रखी पड़ी थी, यहाँ से आंधी इतनी तेज़ आई कि ये पूरा घेर दिया और देखो यहाँ पे तोड़ दिया बिल्कुल। और ये मेरे हाथ में गिरी थी इस साइड, हाथ तो दर्द हो रहा है, क्या कर सकते हैं, पहले इन सब चीज़ों को हटाएंगे, जैसे कि ये गिरने वाला है इसे हटा दो। इस टाइम मैं एक कमरे में आ गया था, मैंने सोचा भाई अब आंधी जब तक जाएगी नहीं तब तक यहीं रहूँगा। और क्या बताऊँ आपको, गांव में इतना ज़्यादा रिक्स होता है ना बंदों को, क्योंकि घर सारे खुले खुले रहते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, कभी भी कोई चीज़ गिर सकती है क्योंकि आंधी इतनी तेज़ आती है। और इस टाइम जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, मेरी एक मूर्ति गिरी और मेरे हाथ में गिरी वो, और मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर कोई नहीं, बाहर निकला था आंगन में तो देख रहा था मैं, देखो गाइस अभी 6 बज रहे हैं और पूरा देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया है, पता नहीं क्या होने वाला है, और पूरा आंगन देखो बर्बाद कर दिया आंधी ने। ओहो शिट गाइस देखो पूरा मतलब बिल्कुल काला काला सब कुछ पड़ा हुआ है। अब दिखाता हूँ तो मैं बाहर का सीन, ये देखो मैं बाहर आ गया था और देखो बादल बिल्कुल गरज रहे हैं इस टाइम पे। और ये देखो सर तो भाई क्या सीन है, मैंने पहली बार देखा है खतरनाक सीन। और इस टाइम सारे के सारे अपने घर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी सब कुछ गिरने विरने का डर होता है, यहाँ पे पेड़ में जब तक एक आधे पेड़ गिर गए हों। 1 hour later. So guys, finally बारिश आ चुकी है और इस टाइम पे धूल नहीं उड़ रही है इतना, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और देखो सही में बारिश आ गई है, थोड़ा सा सुकून मिलेगा, कोई मिट्टी विट्टी नहीं उड़ेगी और आंधी भी इस टाइम कम हो चुकी है, ज़्यादा तेज हवाएं नहीं आ रही है। सबको मना कर रहा था कि भाई बाहर मत जा यार, आंधी इतनी आ रही है, तूफान इतना आ रहा है, और कभी कभी हवाएं बिल्कुल धीरे हो जा रही हैं और कभी बहुत तेज हवाएं हो जा रही हैं। मैंने कहा यार चलो भाई घर के अंदर ही बैठो, सबसे बढ़िया है घर के अंदर बैठना। और गाइस इस टाइम घर के अंदर भी पानी घुस रहा है, ये रहा गेट देखो, गेट मतलब गेट से निकल के पानी पूरा आ रहा है, ये देखो वहाँ से निकल रहा है बिल्कुल। और ये देखो ये रही खिड़की है, यहाँ पे भी पूरा पानी भर गया है। सो गाइस अभी मैं घर के अंदर आ गया था और देखो बिल्कुल बादल बादल सब कुछ गरज रहे और मेरे घर का नाश मार दिया है। और गाइस यहाँ पे गेहूँ में पानी जा रहा था, जो कि मैंने फिर इसको लगाया है, ये गेहूँ अभी हाल ही में कट के आए हैं जल्दी में। नेक्स्ट डे यो, तो यार कैसे हो सब, उम्मीद है सब बढ़िया होगा यार। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और आज सुबह तक बारिश हुई, जो कि बारिश बहुत ज़ोरदार थी और जो तूफान आया था बहुत ही ज़ोरदार तूफान था। सो गाइस गांव वालों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है ऐसे तूफान से, क्योंकि कोई भी चीज़ नीचे टूट के गिर जाती है, घर खुले खुले होते हैं, कोई भी चीज़ हवा में आके गिर जाती है, जो कि अगर उन्हें लग जाए तो उन्हें चोट भी लग सकती है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो मेरा गार्डन बर्बाद हो गया, इसे मैंने साफ़ करा था अभी रिसेंटली। और गाइस सबसे ज़्यादा जो नुकसान सुनने में आया अभी सुबह सुबह की डेट में हमारे गांव में, तो जिनके खेत थे, जिनके गेहूं नहीं कटे थे, उनके गेहूं जो बचे हुए थे, मतलब जिन्होंने नहीं काटे थे, तो उनके साथ ऐसा हुआ, तूफान आया और उनकी जो गेहूं की बालियां होती हैं, तो तूफान ने उनकी बालियां सारी की सारी झाड़ दी, पानी आया, पानी ने उनकी बालियां झाड़ दी, अब वो फसल भी नहीं काट पाएंगे। अगर अब वो फसल काटेंगे तो उनके जो गेहूं होंगे उसमें जो पैदावार होगी उनकी बहुत कम होगी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस साल, जिनके नहीं कटे थे। बहुत 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 मेहनती होते हैं गांव के बंदे, और गाइस बहुत हिम्मत चाहिए गांव में रहने के लिए।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, और हाँ अपना रखना ख्याल। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।